हेलो एवरीवन दिस इज सर वसीम विद अदर वीडियो टुडेस टॉपिक इज एक्सरसाइज 12 डी बुक 2 सिलेबस डी ओके आज हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं वो एक्सरसाइज नंबर 12 डी कर रहे हैं सिलेबस डी का और ये हमारे पास जो है ये सिलेंडर और कोन एंड स्फीयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस इसके अंदर तो हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं तेजी से अ रॉकेट Question one is 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 pen pens. okay. Okay. A rocket in the shape of cone is attached to a cylinder with the same base radius. The cone has a slant height of 15 meter, I slant height given a 15 meter. The cylinder has the base diameter of 12 meter, base diameter 12 meter given hai. and the height HB given a 42 forty two meter. what is the total surface area of the rocket इस पूरे रॉकेट का टोटल सरफेस एरिया हमसे फाइंड करने को बोल रहा है तो हमें हमें जो है हमें इसका टोटल सरफेस एरिया देखिए ये अगर शेप हम देखते हैं रॉकेट के तो यहाँ पर हमारे पास एक ये वाली साइड है एक ये इसका एरिया है जो कोन है नीचे इसकी जो लगा हुआ है वो सिलेंडर लगा हुआ है सिलेंडर का एरिया हमने फाइंड करना है ठीक है और इसके नीचे इसकी एक राउंड बेस है तो तीन सर्फेसिस ऐसे हैं जिनका हमने एरिया फाइंड करना है तो अगर हम इसको देखते हैं थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर लूँ, तो लिसन, तो देखिए ये आपके पास जो है दिस इज़ ये आपके पास है कौन ये हिस्सा जो है दिस पार्ट इज़ सिलेंडर। ये सिलेंडर है और इसके नीचे जो है बिल्कुल बेस जो है ये है राउंड बेस यानी राउंड बेस है राउंड बेस हमें तीन एरिया चाहिए तो देखिए सिलेंडर कोन का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ कोन जो होता है हम मैं इसको लिख देता हूँ एरिया ऑफ कोन इज इक्व टू एरिया ऑफ कोन जो है हमारे पास वो है ये आपके पास क्या है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल ये एरिया ऑफ कोन है सिलेंडर की बात करते हैं एरिया के लिए हमारे पास तो हमारे पास होता है टू पाई आर एल जो लेंथ इसकी गिवन और हमारे पास बेस एरिया की हम बात करते हैं तो सर्कुलर बेस है मेरे पास तो मैं इसको लिखता हूं पाई आर स्क्वायर ये तीन हमारे पास फॉर्म हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे और हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं तो जल्दी से तो क्वेश्चन नंबर वन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर वन में हमारे पास तीन सेक्शन बन गए पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ कोन हम निकालते हैं एरिया सरफेस एरिया ऑफ कोन हम कर लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ कौन फॉर्मूला हमारे पास है पाए आर एल ये एल जो है याद रखेंगे स्लॉन्ट हाइट क्या है आपके पास स्लांट स्लान हाइट कोन जो होती है याद रखिए कोन अगर मैं बनाता हूँ एक तो कोन का शेप मेरे पास जो है वो कुछ इस टाइप का होता है ठीक है याद रखिएगा इसमें एक आपके आपके पास पास वर्टिकल हाइट होती है दिस ये जो एच होते हैं और ये आर है तो दिस लेंथ इज आर दिस इज एच दिस इज एल तो याद रखिए सरफेस एरिया के लिए हमेशा ये हाइट यूज करते हैं वर्टिकल हाइट यूज नहीं करते वर्टिकल हाइट हमेशा वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं

12 का हाफ कर देंगे हम तो 6 आ जाएगी तो हमें डायमीटर गिवन है तो हम क्या करेंगे 6 यहां पर रेडियस लिख देंगे और l की जगह जो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है वो लेंथ ऑफ कोन जो 15 मीटर है तो हमने यहां पर 15 लिख दिया सिंपलीफाई करते हैं जल्दी से 22 6 15 मैं जल्दी से कैलकुलेटर पे कर लेता हूं तो मेरे पास आ रहा है 22 6 15 टू मेरे पास आ रहा है 1980 1980 डिवाइडेड बाय 7 तो हम इसको डिवाइड बाय 7 भी कर लेते हैं जल्दी से तो हमारे पास क्या आ जाएगा पहला आंसर हमारे पास 8282 uh, तो हमारे पास फैल, पहली वैल्यू जो आ रही है 282 आ गई ये आपके पास यूनिट जो है हमें कोण के लिए क्या दी हुई है मीटर दी हुई है तो हम क्या करेंगे ये मीटर स्क्वायर दिस इज फर्स्ट पार्ट पूरा टोटली अभी सिर्फ अभी हमने सिर्फ कोन का एरिया निकाला है अब हम सिलेंडर की बात करें। सिलेंडर के लिए हमारे पास फार्मूला जो होता है एरिया का तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वहां पे फार्मूला होता है 2 पाई r l और ये सब कर्व सरफेस एरिया है सब कर्व कर्व पार्ट है ठीक है टोटली कर्व पार्ट है तो अब हम यहाँ पे फॉर्मुला जल्दी से अप्लाई करके इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय R, R वो सिंपल एक सेम रेडियस गिवन सिलेंडर का और कोन का भी तो ये भी सिक्स तो लेकिन हाइट ऑफ सिलेंडर वो डिफरेंट है तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज फोर्टी मीटर दिस इज फोर्टी मीटर तो मैं यहाँ लिख दूंगा फोर्टी अब अगेन वही सिंप्लीफाई करते हैं फोर्टी टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स फोर्टी टू फोर्टी टू मल्टीप्लाई बाय 6 बाई ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई बाई टू मैंने किया तो मेरे पास वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है एलेवन जीरो दिस इज एलेवन डिवाइडेड बाय सेवन तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी डिवाइड बाय सेवन कर देता हूँ तो so, मेरे पास आंसर जो जा आ जा जाएगा वन फाइव एट फोर वन फाइव एट फोर मीटर स्क्वायर ठीक है तो ये क्या आ गया हमारे पास ये सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया आ गया अब थर्ड पार्ट जो अटैच हुआ है वो इसका बेस है जो कि आपने मैंने कहा था कि ये राउंड शेप में बेस होगा इसका तो बेस का स्क्वायर फॉर्मूला सर्कुलर बेस का तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस यहाँ लिख देता हूं मैं एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ठीक है इसका अलग से निकालेंगे फॉर्मूला तो बेस सर्कल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर तो हमने क्या किया पाई की जगह 22 ओवर 7 पुट किया मल्टीप्लाई बाय आर सेम है 6 स्क्वायर तो मेरे पास क्या आ जाएगा 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 36 नाउ आंसर इज 36 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू इक्वल्स टू व्हाट कम्स 792 792 डिवाइडेड बाय 7 सो so, Divided by seven is equals to is equals to one one three one one three meter square मैंने round off कर दिया है तो ये मेरे पास third area आ गया जो circular base के एरिया तो हम अब total हमने निकालना है तो total हम लिख लेंगे total surface area of रॉकेट तो रॉकेट का टोटल सरफेस एरिया टू हो जाएगा हमारे पास एक कोन का एरिया आ गया एक सिलेंडर का एरिया आ गया और हमारे पास किसका है बेस एरिया भी मौजूद है तो कोन का एरिया मेरे पास जो है वो है ऑफ सिलेंडर एरिया ऑफ सिलेंडर 1584 प्लस एरिया ऑफ बेस एरिया 113 तो मैं इन सबको ऐड कर लेता हूं, तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा जो है आपके पास मैं थोड़ी सी लाइट ऑन कर लू तो मेरे पास आ रहा है 282 प्लस 1584 प्लस 113, तो आपके पास आ रहा है वन नाइन सेवन नाइन वन नाइन सेवन नाइन मीटर स्क्वायर

होल इन द शेप ऑफ कोन इज बोर्ड इन टू वन ऑफ इट साइड अब इसमें क्या करते है? एक बोर करके एक होल बना दिया गया है जो कोन की शेप में If the cone has हैज radius थ्री सेंटीमीटर radius of cone is given मुझे थ्री सेंटीमीटर find the volume of the remaining solid. हमने इस पूरे remaining solid देखिए volume निकालना है देखिए अब हम हमारी approach क्या होगी पहले हम क्या करेंगे इस पूरे का area निकाल लेंगे this whole cylinder का area निकाल लेंगे इस और सॉरी इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे इस वॉल्यूम में से जो आपने बोर करके पार्ट निकाला है इसमें से जो कोन की शेप में उसको हम यहाँ से फाइंड इसका वॉल्यूम फाइंड करके कर, हम यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब सब्ट्रैक्ट करें तो रिमेनिंग एरिया जो होगा वो क्या होगा एरिया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होगा तो रिमेनिंग वॉल्यूम जो होगा तो हम पहले क्या कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लेते हैं

वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्व टू पाई आर स्क्वायर एच दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर याद रखिए आपको फॉर्मूले मेमोराइज होने चाहिए अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते लिहाजा इनके फॉर्मूले पहले आप मेमोराइज कर लीजिए और उसके बाद फिर आप इनको सॉल्व करें तो, तो बहुत इजीली हो जाएगा तो हम चेक करते हैं कि भाई किल्यूज गिवीन आर गिवन है, सिक्स, गिवन है तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉरन निकाल लेंगे

ठीक है तो हम लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब ठीक है दिस वॉल्यूम तो मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि बेसिकली इसमें से इसने कुछ पार्ट रिमूव कर दिया है कौन सा कर मूव करते कोन तो का वॉल्यूम हम देखते अब मुझे का वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा ताकि मैं क्या टोटल वॉल्यूम में से कोन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो, जो पास, वो पार्ट का आ जाएगा. तो हम हम इसको और सॉल्व कर दे तो रेडियस ऑफ कोन मुझे है, यस थ्री हाइट ऑफ कोन मुझे है, फिफ्टीन जो कि सिलेंडर की कोन है तो मैं वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ कोन

मेरे पास आ रहा है आंसर 2970 तो 2970 डिवाइडेड बाय 73 इज 21 जल्दी से 21 से डिवाइड कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल्स टू 141 तो दिस इज 141 डेसिमल में नई वैल्यूज ले रहा हूं तो मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर ओ क्यूब दिस इज क्यूब वॉल्यूम है ओके दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ कोन नाउ अब देखिए हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मुझे गिवन है जो कि 1697 और मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन जो जो वो पार्ट जो रिमूव कर दिया गया वो 141 है तो हमें एक काम कर लेते हैं तो रिमेनिंग वॉल्यूम जो हो जाएगा हमारे पास रिमेनिंग रिमेनिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा वन सिक्स नाइन सेवन में से माइनस कर देते हैं वन फोर्टी वन को तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर तो माइनस कर देते हैं वन सिक्स नाइन सेवन तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है भाई वो आ रहा है आई थिंक वन फाइव 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 वन फाइव फाइव सिक्स लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब ये वो आंसर है जो हमें रिक्वायर्ड था क्योंकि रिमेनिंग वॉल्यूम मांग रहा था हमसे तो रिमेनिंग वॉल्यूम मेरे पास आ गया है दिस इज आंसर ठीक है सिंपल अप्रोच देखिए पहले मैंने टोटल वॉल्यूम निकाला सिलेंडर का फिर मैंने उस पार्ट का वॉल्यूम निकाला जो पार्ट इसके अंदर से रिमूव कर दिया गया जो था मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन जो रिमूव पार्ट था वो निकाल लिया ठीक है इसके बाद मैंने क्या किया इनको सब्ट्रैक्ट किया ये सब कर दिया और मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया तो ये आपने अप्रोच करनी है कि आपकी अप्रोच सही होगी तो आपका आंसर खुद बहुत सही आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट पे जल्दी से चलते हैं ओके नेक्स्ट पार्ट इज अब देखिए शेप पे अगर गौर करें हमें एक सिलेंडर दिया हुआ और एक क्या है स्पेयर दिया हुआ है अगर हम यहाँ देखते हैं ये सिलेंडर दिया हुआ है और ये जो स्पेयर है ठीक है, है, मिस्वेर. है मिस्वेर मतलब हाफ ऑफ स्पेयर ठीक है तो हमें स्फेयर और सिलेंडर के फॉर्मूले पे फोकस करना होगा तो अब क्या बोल रहे हैं पहला पार्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अ सॉलिड

वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए मेरे पास हाइट गिवन है टेन तो और रेडियस दिया हुआ है सेवन तो हाइट इज टेन रेडियस इज सेवन एच इज इक्व टेन सेंटीमीटर और रेडियस इज सेवन सेंटीमीटर ठीक है देख ले सेंटीमीटर के मीटर में हमें वैल्यू सेंटीमीटर में ओके नाउ वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं जल्दी से वॉल्यूम हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो मेरे पास फॉर्मूला वही है जो हमने फाइंड करना है तो सॉल्यूशन पे चलते हैं हम जल्दी से तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ इक्वल टू इज़ इक्वल टू फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर हेच ओके तो पाई की जगह 22 ओवर 7 सेम फॉर्मूला रिपीट हो रहा है आर की जगह फॉर्मूला जरूर लिखा करें ताकि आपको याद होगा इससे जल्दी फॉर्मूले की रा, राइटिंग की आदत डालिएगा क्योंकि फॉर्मूला राइटिंग जो थे आपको उसको फॉर्मूला आपके मेमोराइज करने में बड़ा आसानी करता okay, है ओके आर ए सेवन स्क्वायर एंड एच ए टेन नाउ सिंप्लीफाई करते हैं ट्वेंटी टू ओवर सेवन इंटू इंटू नाउ मल्टीप्लाई ट्वेंटी टू एंड टेन 22 multiplied by 49 multiplied by 10 what comes uh, 10780 so 10780 divided by divided by 7 now divided by 7 divided by 7 is equals to 1540 so this is 1540 this volume of cylinder is volume of cylinder

of hemisphere formula is volume 4 over 3 pi r cube i think this is the formula to calculate volume of hemisphere okay but this this is the formula for sphere not hemisphere sorry, sorry. this is formula for sphere Is the half of the तो अगर हम की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ हेमिसम इज ओवर थ्री पाई आर क्यूब हाफ करेंगे तो ये फोर टू में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो हेमिसफेयर शेप दी हुई हमें स्फेयर नहीं है तो हमने टू ओवर थ्री पुट किया मल्टीप्लाई पाई की जगह 22 ओवर 7 पुट कर दी वैल्यू एंड आर आर इज गिवन व्हाट इज आर इन दिस क्वेश्चन आर इज 7 तो so, हम क्या करेंगे 7 पुट कर देंगे जल्दी से तो दिस इज 7 क्यूब राइट तो जल्दी सॉल्व करते हैं 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डायरेक्ट करना चाहते हैं आप वरना 7 क्यूब फाइंड कर लें 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई

तो वॉल्यूम वन मेरे पास आ रहा है वॉल्यूम वन प्लस वॉल्यूम टू कर देता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी भाई वॉल्यूम वन इज वन फाइव फोर जीरो प्लस वॉल्यूम टू इज सेवन वन नाइन ऐड करते हैं जल्दी से तो हम जल्दी से कैलकुलेटर का ही सहारा ले लेते हैं वन फाइव प्लस प्लस सेवन वन तो इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा टू सेंटीमीटर क्यूब. होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा ठीक है तो आपने सिर्फ आप सिर्फ शेप पे ध्यान रखिए शेप कौन सी बन रही है उस शेप से रिलेटेड फॉर्मुला आपके दिमाग में आना चाहिए

कौन करना मुझे अगर देखिए ये आपको दिया हुआ रेडियस आर दिस इज आर गिवन ये आपको स्लांट हाइट दी हुई है ठीक है जो कि है आपके पास स्लॉट हाइट और ये आपको वर्टिकल हाइट यानी कि एच ये क्या वर्टिकल हाइट है वर्टिकल हाइट ये आपके पास जो हाइट है और ये आपके पास रेडियस है तो आपके पास ये देखिए आपने स्लांट हाइट सिर्फ सिर्फ सरफेस एरिया के लिए यूज नहीं करते हैं। तो के लिए मुझे पास, मैं, मुझे ये थोड़ी आसानी हो जाए तो हम एक काम करते हैं एक डाटा फॉर्म कर लेते हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर तो मैंने क्वेश्चन नंबर फोर लिख दिया यहाँ पर ठीक है क्वेश्चन फोर में इस कलर से कर देता हूँ थोड़ा सा तो देखिए क्वेश्चन फोर में मुझे जो गेवन है वो वो मुझे 35 आपको स्लंट हाइट एल गिवन और h 28 दिया और 21 35 28 35 l is 35 cm h is 28 cm और रेडियस इज 21 cm मैं जरा कंफर्म कर लूं इसको ठीक है तो जरा आसानी हो जाएगी और uh, 21. 21। ठीक है, 28। ओके, okay. अब हमने फर्स्ट फाइन करना वॉल्यूम पार्ट वन जो पार्ट वन इसका जो है, करना है. हमने वॉल्यूम ऑफ शेप जो भी है वो निकालना है आपने ठीक है इस शेप में हमारे पास क्या मिक्स हुआ हुआ है दो शेप्स कंबाइन हुई है एक सिलेंडर एक कंबाइन नहीं एक हमारे पास कोन कंबाइन हुई हुई है

28 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बाय 22 22 हमने ये चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आती है वैल्यू 2716 2 7, 1, 2, 7 1, 6, 5, 6. और डिनोमिनेटर में मेरे पास जो वैल्यू आ रही 37 21 अब मैं इसको डिवाइडेड बाय 21 कर देता हूँ भाई डिवाइडेड बाय 21 मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा तो मेरे पास आ रहा है 1 टू नाइन तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन जो मैंने फाइंड कर कर लिया यहाँ पर पर यूनिट यूनिट पुट देते हैं सेंटीमीटर क्यूब अब अगर हम नोटिस करते हैं अपर पार्ट इसका जो है वो हेमिसफेयर की फॉर्म में दिया हुआ है दिस इज हेमिस्फेयर तो मैं हेमिसफेयर का फॉर्मुला डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ ठीक है विच इज वॉल्यूम टू तो मैं वॉल्यूम ऑफ हेमिसफेयर यूज करता हूँ वॉल्यूम ऑफ हेमिसफेयर जिसको हम वी टू कह देते हैं इज इजिक्वल टू हो जाएगा मैंने इसको वी टू से रिप्रेजेंट कर लिया ठीक है तो मेरे पर वॉल्यूम ऑफ हम क्या हो जाएगा टू ओवर थ्री मल्टीप्लाई बाय पाए आर क्यूब ठीक है मल्टीप्लाई की वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई गलत लिख दिया चले खैर लिखने की जरूरत नहीं थी इसको गलत नहीं है खैर हम लिखे नहीं तो ज़्यादा बेहतर है ठीक तो पाए आर Values put 2 over 3 multiplied by 22 over 7 multiplied by r. r is r is 21 cube. So again, 21 cube, must of 21 multiplied by 21, multiplied by 21, multiplied by 22, 22 and multiplied by 2, multiplied by 2. So 407484. 407484 डिवाइडेड बाय 73 इस आ 21. नाउ डिवाइड बाय 21, डिवाइड बाय 21 व्हाट कम्स 194. दिस इज 19404. 404 सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज योर V2. हमने V2 भी फाइंड कर लिया. ठीक है? V2 भी फाइंड कर लिया. अच्छा अब हमसे क्वेश्चन क्या बोला टोटल वॉल्यूम निकाले तो हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं टोटल वॉल्यूम सेम वही अप्रोच हम दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे टोटल वॉल्यूम इज हो जाएगा फोर uh, जब ऐड करेंगे हम तो ऐड करने के बाद प्लस कर लेते हैं इसके अंदर जल्दी से क्या वन टू नाइन थ्री सिक्स सो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर थ्री टू थ्री फोर जीरो थ्री टू थ्री फोर जीरो सेंटीमीटर क्यूब तो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया दिस इज टोटल वॉल्यूम पार्ट वन इज डन ठीक है जी पार्ट वन मेरा हो गया नाउ पार्ट टू पे चलते हैं जल्दी से पार्ट टू के लिए हमारे पास क्या बोल रहे हैं ये पार्ट टू के लिए बोल रहे हैं क्वेश्चन के टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इस सॉलिड शेप का टोटल सरफेस एरिया तो अगेन का सरफेस एरिया यूज करेंगे और और हेमस्फेयर का तो कर्व सर्फेस एरिया ऑफ कौन और हेमेस्फेयर का फॉर्मुला हम यूज कर लेते हैं तो पार्ट टू एस पार्ट बी एस हम पार्ट टू कर लेते हैं इसका पार्ट टू क्या है टोटल सर्फेस एरिया हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया सो अगेन सेम बात है हमारे पास तो पहले हम सरफेस एरिया ऑफ कौन निकाल लेते हैं ठीक है तो सरफेस एरिया ऑफ कौन तो हम आप कर्व सरफेस एरिया कौन कौन का दिया हुआ तो कौन का पाए आर एल हमने कहा था कि ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था कौन का ये याद रखना है तो पाई की जगह 22 पुट कर देते हैं आर की जगह आई थिंक 21 21 था रख देते हैं एंड एंड क्या था यहाँ पर एल हाइट यूज करेंगे याद रखिएगा इसमें सरफेस एरिया है सरफेस एरिया के लिए याद रखिए रखिये हाइट यूज करते हैं वर्टिकल हाइट यूज नहीं करते हम कौन सी हाइट यूज करेंगे दिस हाइट ये स्लांट हाइट यूज करेंगे हम तो 35 हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो 35 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, दिस इज़ 35, 35 नाउ सिंपलीफाई करते हैं, तो 35, 35 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 22, 22 इज़ इक्वल तू मेरे पास आ रहा है 16170, तो आ रहा है 16170 डिवाइडेड बाय 7 ओके तो नाउ डिवाइडेड बाय बाई कर देते हैं जल्दी से तो पास आंसर आ जाएगा आपके पास टू थ्री वन जीरो सेंटीमीटर आपके पास आ गया ठीक है नाउ एरिया टू देख लेते हैं स्पेयर का एरिया है तो हम अब सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकाल लेते सरफेस एरिया ऑफ हेमस्फेयर ठीक है क्योंकि वो हेमस्फेयर हेमस्फेयर तो so, स्पेयर के लिए फॉर्मूला जो होता है टोटल स्पेयर का जो होता है स्क्वायर ठीक फॉर्मूलाई बाई ट्वेंटी टू और सेवन मल्टीप्लाई आर एस आई थिंक ट्वेंटी तो हमारे पास क्या है ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी टू

टोटल एरिया इज टू हमारे पास एरिया वन प्लस एरिया कर देंगे तो मेरे पास आंसर टू थ्री टू सेवन सेवन टू इज इक्वस टू तो डी प्लस कर देते हैं प्लस कर देते हैं इसको पूरा डिलीट कर दे टू थ्री वन जीरो प्लस Two seven seven two is equals to five zero eight two five zero eight two centimeter centimeter square. This is total area of the solid. Okay, this is it today. तो अब हम लोग जल्दी से मेरे ख्याल में हमने सारे सारे पार्ट कर लिए इस क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया तो अब ओके ओके इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड इफ यू हैव एनी क्यूरी सेंड मी टेल टेल मी इन कमेंट सेक्शन एंड टेक केयर योरसेल्फ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो Allah Hafiz